कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए सारी हदों से खेल जाते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह बच्चा केवल 8 साल का है। उसका कहना है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइस, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो? हमें भी इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। इस लड़के की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।